बता रहा हूँ कि जो अपनी आंखों से मैं व्यू देख रहा हूँ ना, मैं आपको इस कैमरे में शायद ही दिखा पाऊँ। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत मंज़र है। तो बस यहाँ पर जो है वो आप इसको देखते जाएं, जब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके भाई, ये हम आ गए पोर्ट पे, अल्टीट पोर्ट का। तो वो अल्टीट पोर्ट चलें और आपको दिखाता हूँ यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। जी बस हम पहुँच चुके हैं भाई अल्टीट पोर्ट, और अल्टीट पोर्ट का ये व्लॉग बिल्कुल अलग से, बिल्कुल रॉ में जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। इसकी स्टोरी जो स्टोरी बताने वाले वो बता रहे हैं, और आप सिर्फ इस खूबसूरत व्यू को देखें। इस खूबसूरत व्यू की वजह से इसको जो है वो अलग से अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलो आ जाओ, इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं और देखते हुए चलते हैं। नो एडिटिंग, नो कुछ, सीधा रॉ वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए सर, यहाँ से चलते जाइए। थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं भाई अल्टीट फोर्ट में, सरीना अल्टीट फोर्ट। आओ, वी हैव अ अंग्रेज मैन। यो, वी आर गोइंग टू अल्टीट फोर्ट। दिस इज अ वेरी एंशिएंट फोर्ट, सो यू हैव मस्ट विजिट इट। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड सब्सक्राइब इट। ओह वाओ, ओके ओके, सो नाउ विजिट। चलें भाई, अब जो है वो अंग्रेज़ी ख़त्म करते हैं और अल्टीट फोर्ट को देखें। इसके उधर के नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत व्यू है, क्या खूबसूरत पॉइंट्स हैं। तो विदाउट कट के, विदाउट एडिट के इसको हम अपलोड करेंगे एज इट इज़। रॉ फुटेज, जी रॉ फुटेज बिल्कुल अपलोड करने वाले हम। तो ये जो है हुंजा के अंदर अल्टीट फोर्ट, फर्स्ट पॉइंट आज का हमारा है। और ये फोर्ट पता नहीं क्यों है, बट जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। देखते हैं इसकी आगे क्या क्या मंजर देखने को मिलता है। ओके, नाउ अल्टीट फोर्ट ऊपर है, वेटिंग एरिया इस साइड है, खाबासी कैफे बैतुल खला। तो हमने अल्टीट फोर्ट जाना है। ये ऊपर व्यू है, तो अब यहाँ से हमने अल्टीट फोर्ट के लिए निकलना है। वेयर, अच्छा वेटिंग एरिया में जाएं। चलें, ओके, पहले भाई हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। तो जब तक जो है वो गाइड हमारा आ नहीं जाता है, अल्टीट फोर्ट ऊपर जाने की हमें फ़िलहाल परमिशन नहीं है। तो ये वेटिंग एरिया है अल्टीट फोर्ट, यहाँ से आप देखें, फिर ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ। ये वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया भी क्या खूबसूरत है, क्या लुक है। अच्छा आ रहे हैं। ओ वाओ, वेटिंग एरिया के अंदर आप खूबसूरत नज़ारा देखें यार, कांट इमेजिन, इतना खूबसूरत है। बंद है रास्ता। तो यार आप, मैं बता रहा हूँ कि जो अपनी आंखों से मैं व्यू देख रहा हूँ ना, मैं आपको इस कैमरे में शायद ही दिखा पाऊँ। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत मंज़र है। तो बस यहाँ पर जो है वो आप इसको देखते जाएं, जब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। जब हमारे टिकट हो जाएंगे फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। वो देखें नीचे हाईवे। अब भाई पिक्चर टाइम है हमारा, तो जब तक जो है पिक्चर्स लेते हैं। A few moments later, टिकट जो है हमारे हो चुके हैं। अब ये हमारे टूर गाइड साहब आ चुके हैं और फोर्ट की हिस्ट्री भी बताने लगे हैं, फोर्ट पर भी जाने लगे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं, हमारे टूर गाइड साहब ये हैं और इन्होंने स्टोरी बतानी है। और हम पहुंच चुके हैं अल्टीट फोर्ट। हाँ जी, अल्टीट फोर्ट के बाद हुंजा में मौजूद है। हाँ जी, हुंजा जीबी का हिस्सा है। हाँ जी ठीक है, ये किला पुरानी तारीख की जगह है।
तो बलतीत तो हाँ जी भी किसका हिस्सा ये बताओ भैया, आप लोग बता दो अगर आप लोगों को पता है तो। हाँ देखा इधर 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 क्या अच्छा अच्छा भाई जब तक आप नहीं कहेंगे हम नहीं आएंगे, कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिच्छू मिच्छू भी है, गली नहीं मिलेगा चूहा तो क्या मिलेगा, क्या चूहा भी नहीं है। अच्छा भाई ये जो है वो हमें स्टोरी बताएंगे, फिलहाल हम वे ना वेटिंग कर रहे हैं सारे लोगों का। एंड यहाँ आपको चलें सुनाए हिस्ट्री शुरू करें। हम अलग अलग शहरों से हैं, ज्यादा कराची से। हाँ जी बिल्कुल ओके। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आपकी फोर्ट। यह आपकी फोर्ट 1100 साल पुराना किला है। इलते बिलते क्यों ने मिज बलते लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड, सो इलते मीन गाँव एंड बिलते मीन आप, यानी इलते से अलते उस गाँव का नाम हुआ है, बिलते से बलते उस गाँव का नाम हुआ है। ये फोर्ट 1100 साल पुराना और बलते फोर्ट 800 साल पुराना, सो इज ओल्डेस्ट। इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे, स्कार्डो से। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शीर खतून था। उस शीर खतून के लिए ये जहेज में बनाया था, गिफ्ट में बनाया था। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है, 2006 लास्ट रिपेयर इन AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। जो लास्ट मीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान, सो मीर मोहम्मद जमाल खान इज द किंग ऑफ पंजाब, द लास्ट किंग। उसकी स्टेट बादशाहत 1974, जो बादशाहत थी यहाँ पे वो 1974 में ख़त्म हो चुकी थी, बट बादशाह एक ही था। गर्मियों में रहता था बल्तीत और सर्दियों में यहाँ पे। बाकी हिस्ट्री में आपको रूम बाय रूम बताऊँगा, मैं आपको 10 से 15 मिनट दूंगा, छत पे जाएंगे, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, वापसी में आप तस्वीरों और सेल्फियाँ लेते हुए आराम से नीचे आएंगे। सो दरवाजे शॉर्ट कर पहले वाले लोग शॉर्ट थे, नहीं वो शॉर्ट नहीं थे, दरवाजे शॉर्ट थे इसका। अच्छा आ जाए भाई, हिस्ट्री हो गई है यहाँ तक। अब ये व्यू है यहाँ से और हम जो है वो जा रहे हैं गेट में। ओके जी, मैं आपका 5 मिनट लूंगा, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद आप आजाद हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, 5 मिनट टाइम क्या हुआ? शुरू करें जी। ये छत और ये ऑब्जर्वेशन टावर वॉच टावर है, यहाँ से वॉच करते थे, नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर, जैसे हमला सभी साइड पे मैं वीडियो बनाऊंगा, सभी साइड नीचे हाई अलर्ट। लेफ्ट साइड पे बच्चों का हाथ पकड़ ले प्लीज, हाइट ज्यादा है यहाँ, हाइट ज्यादा है, बच्चों का हाथ मत छोड़िएगा प्लीज। लेफ्ट साइड पे जो कमरा है, जब इस्लाम आया उस दौर के मीर ने खानका बनाया था इबादतगाह, सो इज द फर्स्ट प्रेयर हॉल इन हुंजा, ये पहला इबादतगाह था। और नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी है, नीचे अलतीत गांव है। ये सामने जो पीक है उल्तर 1-2 लेडी फिंगर, नुकीला सा है वो लेडी फिंगर है, बिल्कुल नुकीला सा। हाँ सेकंड में आता है रका पोशी, वो रहा वो है रका पोशी। थर्ड में वो कोने में ये दीरान पीक है, दीरान, इस पीक का नाम है दीरान, दीरान, और उस पीक का नाम है दस्तगीर, वो दस्तगीर है। और ये लास्ट में टॉप पे जो दरख्त है ना एंड में लंबे, वो है ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट का नाम सुना होगा, ईगल नेस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट। आप जाइए शाम को 4 बजे ईगल नेस्ट, 4 या 5 बजे, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आपको पूरे व्यू, यानी हुंजा वैली, नगेर, जितने भी पीक्स है सारे पीक्स वहाँ से नजर आते हैं आपको ईगल नेस्ट से। और वो बलतीत फोर्ट 800 साल पुराना है, ये अलतीत 1100 साल पुराना। अब दो पोर्शन और है, मैं आपको दिखाऊंगा, 2 more portions आ जाएं, 2 portions है, उसके बाद आप तस्वीरें बना लो। यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं है रेंट पे, 5 मिनट में चला जाए बंदा, है ना जी? है नीचे हेलीपैड है, आ जाए मैं दिखा दे। हेलीपैड है, हेली हो या ना हो, हेलीपैड है, ले है ना हो, है क्या ख्याल है? पैराग्लाइडिंग होती है जी, पैराग्लाइडिंग करना है तो
होती है पैराग्लाइडिंग यहाँ? असल तो यहाँ होती है पैराग्लाइडिंग भाई, पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे। हो रहा भाई वाकई में है हेलीपैड। वहाँ से टेक ऑफ करते लैंडिंग नीचे होती है, पैराग्लाइडिंग करना है तो स्लिप नहीं करना है। तो ये है कि हाई पोजीशन यानी जो हमलावर जो एनिमीज होते थे उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, फिर उनका बचने का चांस नहीं। कहाँ से? 1200 फीट डाउन यहाँ से। जी जी मैम, यहाँ से इस जगह से नीचे फेंकते थे उनको। ये हाई पनिशमेंट ऐसे लोगों को जो हमलावर या जो एनिमीज जो करप्शन में होते थे या जो जुर्म करते थे उनको इस यहाँ से सीधा नीचे। पुराने वक्तों को भट्टा भी मौजूद है। जी जी आपके नजर में कोई है तो ऐसा बंदा नहीं? हाँ एक है अभी, बहुत सारे हैं अभी। लेकिन 21 अक्टूबर को आया यार, लिस्ट लंबी है। ओके सो अब जाएंगे आजाद है। अब हम अच्छा अभी भी आजाद नहीं हुए। जी तो चलते ये छोटे वाली चीजें क्या है? सबसे ऊपर किधर से जाना है? अच्छा। दुआ निकालने के लिए सबसे ऊपर किधर से जाना है? सबसे ऊपर ये अंदर से है बट सीढ़ियां नहीं है। सीढ़ियां नहीं है सबसे नीचे जाना फोन आ जाए। कहा है? लेफ्ट राइट इधर है, इधर है। वाह यार क्या व्यू है। ओप्स व्यू देखें भाई आप। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं, पहले उनकी सुन ले। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया है स्टोरी बताने वाला? जी मैं बताऊँ, वो खानकाह है जी इबादत। हाँ नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ सकते हैं। ये पहला इबादत गाह है जब इस्लाम आया तब बना है। और ये पोर्शन 1891 में यहाँ ब्रिटिश आए थे उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। ये थोड़ा सा मॉडर्न बनाया था। ये पोर्शन बाद का बना हुआ, इसमें ब्रिटिश रहते थे, अंग्रेज रहते थे। नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी या आलतीत गांव, इस गांव का नाम आलतीत है। यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं। सर्दियों में नीचे बेसमेंट है और गर्मियों में ऊपर रहते हैं। सो आप ये कमरे विजिट करें, तस्वीरें सिल्फिया बनाए। थैंक यू वेरी मच। तकरीबन हिस्ट्री कम्प्लीट। थैंक यू, थैंक यू। अब आप आजाद है, अब आप आजाद है, मना लें जश्न। चाय का इंतजाम नहीं है? चाय का? हाँ चाय मिल के पियेंगे ना सर? नहीं तो ये बादशाह नहीं है, कोई चाय वे रख के गया इधर नहीं है सर। असल में इधर वो अलाउ नहीं है। अच्छा भाई अभी ये कमरे हैं और ये सब गेस्ट रूम बनाए हैं बताए गए। ठीक है नेक्स्ट। इसके बाद खूबसूरत व्यू आप देखते जाएं भले। इसके साथ लास्ट कमरा, ये तो मुझे लग रहा है बाद में लगाया शीशा। ओके ये आई डोंट नो क्या है, कुछ होगा वॉशरूम टाइप कोई चीज़ लग रही है। हमारे यहाँ का तो वॉशरूम है, ये किचन लग रहा है। ओके और मैं भी की किचन है तो ये भी रूम है, बल्कि रूम है सारे छोटे बड़े रूम है ये। और यहाँ से इस रूम से इस रूम और इस रूम से चाहिए क्या है, वो अलमारी। ओके भाई ये इस रूम से इस रूम, तो ये सबसे बड़ा रूम है। वापस हम चलते हैं छोटे से छोटे रूम में। और इसके बाद ये हम आ गए उस गैलरी वाले पॉइंट पे। ओके और लुक दिस, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। और पीछे गाँव तुम आगे देख लो ना, इधर आओ यहां तो देख लेना। और हट भाई आगे से हट जा। व्हाट इज दिस? ये गैडिश व्हाट
उर्दू में बताओ। उर्दू में ना सर वो गैटिश व्हाट इज दिस का मतलब गैटिश शीश होता है। यस डाउन देयर द वाइन सर। आजे आजे सब आजे अंदर। ये क्या जी? कैदीखाना जिंदान है, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। बिफोर इस्लाम यूज द वाइन, शराब भी पीते थे, सर्दियाँ ज़्यादा तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे और स्टोरेज भी होता था। ये वाइन स्टोरेज है। ये जो खड़ी पिलर है बीच में ये वाला, ये एक खड़ी कब्र है। कब्र ये एक खड़ी कब्र है। दो भाई थे, दोनों के आपस में खिलाफत, बड़े भाई को बादशाह की नहीं थी जी, छोटे भाई ने बगावत किया था। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड इसकी स्केलेटन है, जो ढांचा है वो अंदर निकल के ना आया। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था ये फोर्ट, तब इसकी स्कैनिंग की थी। कुछ हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां गल चुकी है, उसकी ढांचा है। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सजा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। उस दौर में इस तरह के सब सफाई देते थे। राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो या सेफ्टी पर्पज के लिए है, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर कोने बनाया है। छोटे जैसी दुश्मन आएगा सर झुकाते अंदर यहाँ पर। बर्फबारी होती है तो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है। तो इसका रीज़न ये था, बल्कि लोगों की कद छोटी नहीं थी, रीज़न यही था। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट कमरे में जाएंगे। चले यहाँ पे इधर चूहे भी हैं तो ये नहीं मिले, चले गए अंदर। चूहा बिच्छू ये चीजें नहीं है, ये हमने आज तक नहीं देखा है। जब से पैदा हुए तब तक हमने आज तक नहीं देखा है। यहाँ सब कराची से लाहौर, कुछ दो एक लाहौर, चार पांच लाहौर से भी, और पाकिस्तान है। ओके, ये क्या है? किचन? जी मैम, ये किचन है। सो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आपकी फेवरेट डिश बताइए, हम वो पकाएंगे। आप कराची से तो ज्यादातर बिरयानी खाते हैं। वो तो खा खा के बोर हो गए, अपनी डिश खिलाएं। अपनी डिश छप शुरू है, घोलो, गर्मा है, खाएंगे, गर्म फिटी है। आप जरूर खाइए, और याक का गोश्त खाइए यहाँ पे। अच्छा, बड़ा मजे का गोश्त है। ओके, तो ये है जी कॉन्फ्रेंस हॉल जिरगा, जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे, और साथ में खाना भी। खाना उनके सामने बनाना लाजमी था, ताकि उनको कोई खतरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाते थे। आग यहाँ पे धुआं, यहाँ से ऊपर वेंटिलेशन प्रेशर, वहाँ से अंदर एक सर्कुलेशन होती थी, इसको हम कहते हैं बलोस्तान इन ब्रुसेस के लैंग्वेज, इन हुंजा लैंग्वेज, इन हुंजा थ्री लैंग्वेजेस, लोअर हुंजा शना, सेंटर ब्रुसेस की, अपर हुंजा वाकी है। सो यू क्रॉस द ब्रिज नगर वैली टू हुंजा वैली लोअर, वहाँ शना बोली जाती है। सो दिस पोर्शन इज द सेंटर, यहाँ पे ब्रुसेस की बोली जाती है। और एंड ऑफ दिया ताबात लेक, एताबात लेक से आगे जो है ना वो वकी है, जो कि ताजिक लैंग्वेज है, और टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल मिलते नहीं है। ये स्टोरेज बक्स इनसाइड टू पोर्शन, जिसमें आटा गंदम मकई स्टोरेज करते थे। एंड द कॉर्नर इज द कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ की जमे, ज़्यादातर मट्टी के घर बनाते हैं। इसकी खासियत सर्दियों में गर्म, गर्मी में ठंडा है। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है, तकरीबन 7.8 जल्जले को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जल्जले आए होंगे, अभी तक ये फोर्टी का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 जल्जले, कभी उससे ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान तीन पहाड़ी सिलसिले, थ्री माउंटेन रेंजेस आपस में लगते हैं, जिसमें कौन कौन से जी बिल्कुल
ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप याद भी करते हैं या ठीक है। तो ये कराकोरम रेंज की पट्टी है, कदीम ज़माने में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट्स और फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट इन हमजा 1971। उससे पहले दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो ऊपर और रात की रोशनी के लिए दीवार का अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग कैंडल लाइट। एंड डाउन देयर इज द कालीन, नीचे जो कालीन बिछाई है हमारे यहाँ जानवर यॉक है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे आप और उसका गोश्त भी खाइएगा, उसके बाल से ये कालीन बनते हैं, यॉक के बाल से। अक्सर घर में भी हम लोग इस तरह के कालीन बिछाते हैं, इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है और ये नीचे से भी ठंडक को ऊपर आने नहीं कहते, इसको हम शर्मा कहते हैं, शर्मा। और ये जो पत्थर है इसको हम हिंदुश्रुति कहते हैं, हिंदुश्रुति यानी वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, किस्म का धोखा शिवलिंग बोलते शिवलिंग, तो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि शिवलिंगम होता है हिंदुइज्म में शिवलिंग। तो यहाँ क्या होता था? इस यही होता था शिवलिंग ही, शिवलिंग कहते हैं। और ये जो पिलर्स की कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर तिब्बत से आया था, तिब्बत तो आपको पता है ना, तिब्बत तिब्बत में सारे बुद्धिज्म थे और वो जो आए थे वही बुद्धिज्म ही थे, यानी यहाँ पे भी पहले बुद्धिज्म था, फिर हिंदुइज्म, फिर इस्लाम आया। आज से 400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले बुद्धिज्म और हिंदुइज्म हुआ करता था। और पहला इस्लाम यहाँ पे ईरान से आया था, फर्स्ट जो इस्लाम आया था यहाँ पे। सो बेसिकली द हुंजा पीपल, सो हुंजा पीपल इज द हुन डायनेस्टी, हुन डायनेस्टी इन चाइना, इसमें हांजो, गुआंजो, वांजो, इसी तरह ये पहले हांजो था। 1891 में जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे अंग्रेज, उन्होंने हांजो को हटा के हुंजा कर दिया। सो वी आर ऑल्सो सेंट्रल एशिया, जो हमारे फोरफादर जो उनके परदादे हैं वो सेंट्रल एशिया यानी चाइना और ताजिकिस्तान उसी साइड से आके यहाँ आबाद हुए। अभी हाँ ओके, वेयर जा रहे हैं हम लोग? नीचे नीचे नहीं जाएंगे, नीचे अलाउ है, वापसी में जाएंगे। ओके अभी जाएंगे तो डबल पनिशमेंट होती है, बाद में जाएंगे सिंगल पनिशमेंट, क्योंकि ये पनिशमेंट की जगह है नीचे। ओके जेल है, डंजन है, डंजन। ओके सो डाउन देयर इज द पनिशमेंट एरिया, इज द डंजन जेल, यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, उनका हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे, जो प्रिजन काल कोठरी, नो वेंटिलेशन, नो साउंड, अंधेरा होता था यहाँ से नीचे, तो ये कमरा बिल्कुल अंधेरा होता था, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। वापसी में आप जरूर जाएं, ये नीचे जेल है, वापसी में आप भी जरूर जाएंगे ठीक है, क्योंकि लाइफ में एक दफा जाना लाजमी है, स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके लेफ्ट साइड पे जो कमरा है ये सर्वेंट क्वार्टर, जो आम पब्लिक होते थे जो काम करते थे उनके लिए ये सर्वेंट क्वार्टर ये कमरा है। वापसी में आपने जाना जरूर है, तस्वीरें भी बनाई। अभी आप जाएंगे आगे से राइट साइड चले 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 चलते रहे, जेल से निकले प्रोग्राम खत्म होने लगा। इधर 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 जी, चले जी। ओके चले जी, चले चले मैं। ओके अब ये क्या है भाई, ये तो वही फ्रूट की जगह है और ये फोर्ट का बाहर से व्यू है, पिक्चर्स। इसको हम पहले कवर करते हैं, फिर आप ओके भाई चलें, ताकि मुझे दोबारा रिपीट करना पड़े। ओके ये है जी किंग एंड क्वीन बेडरूम, ये राजा और रानी का बेडरूम है, ये वाला कमरा कहाँ है? ये बेडरूम है, उस दौर में कोई मास्टर बेड नहीं था, अच्छा। चार पाई भी नहीं था, बल्कि वो सोते थे उधर, ये उनका बेड था, वो छोटा नहीं है, ये बैठने की जगह है, ये फायर प्लस चूल्हा है, ये कोने में ड्राई स्टोरेज है, यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे दीवार का अंदर जो तीन लकड़ी का ग्रिल है ये उस दूर का हैंगिंग नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? नो हैंगिंग, नो एक्सरसाइज, नो टांगना। अब आप बताइए, नहीं बता जी, गेस करें ना, आप कोशिश करें, टाइम कैसे सनलाइट, आपने या तो रिसर्च किया है या नहीं, जी बिल्कुल टाइम का है, सही बताया,
सही अंदाज़ा लगाया है आपने। ये क्लॉक है वो विंडो ऊपर, वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे सूरज मगरिब की तरफ इसकी जो शेडो है साया है वो घड़ी की सुई की तरह घूम जाएगी, वो अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे ये क्लॉक। इसको कहते हैं सन डायल, ये सन डायल है फर्स्ट सन डायल। ये पहली घड़ी है, सबसे पुरानी घड़ी है ये। इसके बाद जब गिलास आया उसमें मिट्टी डाल के उल्टा करके रखते थे उससे टाइम देखते थे। तो ये दिन का टाइम का था, रात का टाइम कैसे देखते थे ये, तो इससे दिन का टाइम देखते थे, रात का टाइम देखते नहीं दोगे टाइम ही देखते थे। अब हम जाएंगे जी, मैं बता दूँ रात स्टार्स के जो गेप होते हैं, खास स्टार्स होते हैं उसमें कुछ खास उसके गेप जो है वो उससे कवर करते थे। इससे शेडो से देखते थे, जो शेडो है ना वो घूम जाती है, इसको कहते हैं सन डायल सन क्लॉक जी। अब हम जाएंगे छत पे जो कि ऊपर है, टॉप पे है, बाहर टेरेस बालकनी और हमाम है। सिर्फ पांच पांच बंदे होके जा सकते हैं, वापसी में आप जरूर जाएंगे टेरेस पे। अभी आप साथ मेरे साथ छत पे आ जाइए, चलो टॉप पे आ जाएगा, चलो चलो बेटा। ये वो ख़त्म हो चुका है, अब जो है वो हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे वापस नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस व्लॉग को तो यहीं रोक देते हैं और स्पेशली इसको अलग से जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, बट इसके साथ ज्वाइन करके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उसको भी लेंगे। तो ये खूबसूरत नज़ारों के साथ, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।